परेशानी तो है गुलाम, तू मैं नहीं समझा गुलाम कि तूने क्यों अपना नाम हटा के दुष्यंत भा का नाम दे दिया वहां पर, जबकि मैं चाहता था कि तू बने। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तुझे वो करने में मजबूर करती जो मैं नहीं चाहता हूँ? अरे तल्ली, ये क्या हाल बना रखा? रात में सोई नहीं क्या? नींद कहाँ से आएगी? अब इसे सोने के लिए कमरा जो ढूंढना पड़ रहा होगा, क्योंकि अब मेरा रमन जो वापस आ गया है। रमन या अच्छा लगा तू घर आया तो बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूं कि अपने भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात अपने मन से निकाल चुका होगा तू। जी नहीं, मैंने ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं निकाली और ना ही कभी निकालूंगा। निकालूं मैं क्यों? क्योंकि सरपंच पद का असली हकदार दुष्यंत ही है। पिछले 10 साल से बिना रुके बिना थके निस्वार्थ भाव से गांव वालों की सेवा कर रहा है। वो गांव वालों की सारी परेशानियां बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए गांव वाले भी चाहते हैं कि गांव का सरपंच दुष्यंत ही बने। गांव वालों का क्या है, वो तो उसे ही सरपंच बनाना चाहेंगे ना जिसके समर्थन में आप खड़े हो। मोटा बाप, सच बात तो ये कि आप मेरा साथ देना ही नहीं चाहते। किस आधार पे साथ दूं तेरा? तू मेरा भतीजा है इसलिए। क्या किया है तूने गांव के लिए? कुछ किया है? तल्ली, कहां खोई हुई है? क्या कह रही है पांडव? नहीं, कुछ नहीं। अरे पता नहीं कहां ध्यान रहता है इसका। ए तल्ली, क्या हुआ, कहां खो गई है तू? नहीं गुलाल, कुछ भी नहीं। देख तू सुधा, कौन पूछ रहा है जिसका खुद सुबह से कोई अता पता नहीं। अरे मैं तो थोड़ी देर में तुम दोनों की गुमशुदा होने की रपट लिखवाने की सोच रही थी। रमन रमन रमन, लगता है सब लोग मेरे रमन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। बेचारे को चैन से नाश्ता भी नहीं करने दिया। क्या हुआ जमुना? क्या बताऊं पानबा, नाश्ता लाइयो। समझ नहीं आ रहा तुझसे क्या कहूं। सब लोग कहते हैं कि तू गुस्से में कुछ भी कहता रहता है, तब तो मैं भी यही मानती थी। फिर सच बात तो ये है कि गुस्से में इंसान के मुंह से वो बात निकल जाती है जो उसके दिल में दबी होती है। पर अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरा होना ना होना तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये ले। खाने के बाद पानी की जरूरत पड़ती है, जा देखकर आओ उसे। क्या हुआ गुलाल? चमना ठीक कह रहे, जा पानी देके।